अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं जी करोल बाग। यहाँ पर देख रहे होंगे पीछे सारा सामान जो है अंदर रखा जा रहा है। तो करोल बाग में जी कुछ कुछ काम है। जिया को कुछ कपड़े लेने थे, उसका अपना मोबाइल में कुछ इशू आ गया है, वो वहाँ पर ठीक करवाना था वहाँ के शॉप पर। तो वहाँ जा करके ये सब चीज़ करवाएंगे, फिर वहाँ पर शॉपिंग करके हम लोग निकलेंगे सचिन भाई के घर। तो हाँ जी, सचिन भाई के घर हम लोग निकल रहे हैं। और सचिन भाई के घर पहुंच करके हम सभी लोग का एक प्लान है किसी और ट्रिप पर जाने का। आप लोग वीडियो से बने रहिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो सब आपको देखने को मिलेगी। हम गए थे विशाखापट्टनम, तो विशाखापट्टनम के टूर ब्लॉग को आपने बहुत प्यार दिया और उम्मीद करते हैं कि यह जो नया ट्रिप है, यह जो नया टूर है, आप उसको भी इतना ही प्यार और सपोर्ट देंगे। क्या सारा पैक, बस आप लोग का सामान आ चुके हैं और कोई सामान नहीं है ना। तो सभी लोग जी गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं और अब यहाँ से चल रहे हैं गफार मार्केट, और गफार मार्केट के बाद चलते हैं सचिन भाई के घर, फिर वहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिप पर। तो आप लोग व्लॉग से बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। हम लोग पहुँच गए यहाँ पर गफार मार्केट, और हम और सचिन भाई यहाँ आए थे, अपने मोबाइल का कुछ लेंस कवर हमको ठीक करवाना था, लेकिन लगभग यहाँ सारा दुकान उड़ चुका है तो करवा नहीं पाए। और जिया को कुछ अपना ड्रेस खरीदना था, और मनीषा जी भी शायद साथ में कर रही है कुछ शॉपिंग, तो वो लोग हैं अपने उस साइड, तो शॉपिंग कर रहे हैं, तो हमारा तो काम नहीं हो पाया, तब चलते हैं वहाँ पर। आइए यहाँ खरीद लें, उसको खरीदारी हो गई है, काफी देर हम लोग मार्केट में बहुत के। बहुत पहली बार मतलब मिला नहीं। ज्यादा शॉप तो अभी बंद हो चुके हैं, तो जितने शॉप खुले उन्हीं में से हम लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन अच्छे कलेक्शन ज़्यादा मिल नहीं रहे। लेकिन जिया को लेना ही था, कल ट्रिप पर जाना है, सुबह सुबह ही निकलेंगे तो कुछ खरीदने का मौका मिलेगा नहीं। बाकी तो खरीदारी हो गई है, और अब सचिन भाई और मनीषा जी यहाँ से कुछ सब्जी उठा करके ले जा रहे हैं। उधर शायद दुकान बंद रहेगा, और सुबह सुबह ही हमें सुबह सब्जी लेने के लिए अब कौन घूमेगा बाजार में, इससे थोड़ी सी बिल्कुल सामने मिल रहा है, ले लीजिए। हम लोग बैठ गए हैं जी गाड़ी में, और अब हम लोग चल रहे हैं सचिन भाई के घर की तरफ, और बीच में ही आएगा मुरथल, तो हम लोगों ने सोचा है कि मुरथल का पराठा भी एक बार जरूर टेस्ट किया जाए। दिनों पहले और ये भयंकर लड़ाई जी, लड़ाई अब ये एकदम जीआर होने वाली थी, संसद भवन बन चुका है हमारा यहाँ गाड़ी। अभी दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ गया, दो पीछे है लोकसभा राज्यसभा, इस तरह से कुछ चल रहा है। जीआर रो चुकी थी गाइस थोड़ा सा, लेकिन ये बोलती है कि मैं अपने ब्लॉग में कभी रोने वाला बात आज तक लाई नहीं हूँ, इसलिए मैं दिखाऊंगी। झूठे हैं ये। गाड़ी रुकी हुई है पेट्रोल पंप पर, तो सचिन भाई यहाँ थोड़ा सा पेट्रोल डलवा रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपने इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। और इधर मनीषा जी को एक अच्छा तकिया मिल गया है। देखिए कैसे ये लड़ाई कर रहा है एक बच्चे को मारने के लिए, बहादुरी है इसी बच्चे पर दिखाई जा रही है। जी दोनों बच्चे भी किसी से कम नहीं थे, वो दोनों बच्चे भी आखिरी दम तक लड़े, और शायद वहाँ लोकल थे इसलिए उनमें थोड़ी हिम्मत भी थी। फिर जी होना क्या था, अंकल जी अपना रास्ता निकल लिए। तो हम लोग रुक गए हैं जी एक ढाबा के पास, और अब चलते हैं खाने में। और यहाँ पर पीछे गाना भी चल रहा है, तो ज़्यादा देर इस वीडियो को चलाएंगे नहीं, वरना कॉपीराइट का स्ट्राइक आ जाएगा। हम लोग बैठ गए इस रेस्टोरेंट के अंदर, और हम लोग हैं अभी मुरथल में। तो मुरथल का पराठा के बारे में बहुत सुनते हैं जी, तो जब हम लोग चंडीगढ़ जाया करते थे तो इस तरह का ढाबा में रुक करके खाया करते थे, तो वह पुरानी यादें अभी ताज़ा हो रही है। तो जी हमने ऑर्डर किया था पराठा, ये हमारा पराठा आ गया है, ले लेते आइए अभी 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 लेते हैं। ये आ गया जी, ये क्या है, ये भी पराठा है क्या? ये थाली है। अच्छा थाली है, स्पेशल थाली। वाह इतना खाना खाएंगे, मेरा और मनीषा दोनों का खाना बढ़िया है, इतना खाना खाएंगे। मक्खन दिया गया जी, जम के मक्खन दिया गया है, भर भर के मक्खन दिया गया है। दिया खाना शुरू किया जाए, मजा आएगा यहाँ का पराठा खाने में। बहुत हो तो पेट पूजा हो गई जी, देखिए हमने खा लिया है, ज्यादा ही खा लिया। यहाँ का जो टेस्ट है सच में अच्छा है। आप लोग तो मुरथल आए तो मुरथल का पराठा जरूर खाएं। ये लगता है कि हमसे पहले कई हजारों लोगों ने बोला होगा, लाखों लोगों ने बोला होगा, तो समझ जाइए कि एक और लोग ने बोल दिया। सच में यहाँ का टेस्ट वर्थ है। निकलने से पहले जी आपको मैं एक बार इस ढाबे का नज़ारा दिखा देता हूँ जी। यह ढाबा काफ़ी बड़ा है,
आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हुए हैं खाने के लिए, और यहाँ का जो प्राइस है जी काफ़ी रिजनेबल है, तो आप लोग इस ढाबा में आकर के एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो भाई साहब हम लोग यहाँ से खा करके निकल ही रहे थे, हमारे एक पुराने ऑर्गेनाइजेशन के दोस्त मिल गए और मालूम चला कि इनकी जो वाइफ है हमारी सब्सक्राइबर भी है, व्यूअर भी है। कब से देख रहे हैं? लगभग 1.5 से 2 साल हो गया। 1.5 से 2 साल, चलिए तो उसी समय से हमने स्टार्ट भी किया था, तो काफ़ी अच्छा लगा अपने एक पुराने दोस्त को मिलकर, और मालूम चला कि अब वो भी सब्सक्राइबर हमारे हो गए। बिल्कुल। 3 hours later यहाँ जी सचिन भाई के यहाँ, और अभी बज रहे हैं रात के लगभग 2:30। पूरे रास्ते यहाँ जिया और मनीषा जो है सो करके आई है, हम दोनों बहुत उधर जगे हुए थे। दिन पूरा हो गया ना, अब तो रूम में सोने का जरूरत नहीं है। The next day. यहाँ सचिन भाई को आप देख सकते हैं पत्नी महारानी का हाथ बटाते हुए, अच्छी बात है जी। थोड़ा नहीं, हम जब काम करते हैं तो जिया कहती है कि आप काम नहीं करिए, वही सबसे बड़ा योगदान होगा, क्योंकि जितना हम काम करते हैं नहीं उतना बिगाड़ देते हैं। हाँ, लेकिन सीखिए थोड़ा सा। गजब बात है, काम करने भी नहीं देगी और कहे कि सीखिए। तो अच्छे से काम करना सीखिए। हाथ मेरा जल जाता है, भारी हो जाता है चावल। अच्छा, ये पसाने वाला है। कुकर में कैन बनाते हैं फिर? कुकर में नहीं, वो जो आता है क्या कहते हैं, अच्छा टेस्ट नहीं लगता उसका कुकर का। आप सब खा लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। अरे नहीं तो डर लगता है ना, वो झाग ले लो, उसपे सारा डाल दो, हो गया। कुछ देर पहले ही हमारी हो गई है पेट पूजा, और सभी लोग जो है यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, निकलने वाले हैं जी एक ट्रिप पर, और वह ट्रिप क्या होने वाला है सचिन भाई अपने ब्लॉग में बता दिए हैं क्या? हाँ, तो हम लोग अभी जा रहे हैं हरिद्वार ऋषिकेश, तो अभी शाश्वत भाई को नहीं पता है इनके साथ क्या ट्विस्ट होने वाला है, वो आप लोग को ब्लॉग में दिख जाएगा। अच्छा जी भाई, मेरा माल बड़ा अजीब हो गया, जैक कटिंग करा ले क्या? कौन सा थर्सडे है? अब निकलते समय कटिंग कराइएगा, अब सीधा सबसे पहले निकलना है यहाँ से, नहीं कटा सकते। निकलने वाले हैं जी ऋषिकेश, सभी लोग यहाँ पर तैयार हैं, देख रहे हैं एकदम, और मनीषा जी वहाँ पर अभी पैकिंग कर रही है मेकअप का। वाह, सबसे ज्यादा जरूरी ये है महिलाओं के लिए, पूछ रहे या ना रहे? हाँ, तो सचिन भाई जो है जूता ट्राई कर रहे हैं अलग अलग खोल खोल करके, पहले जूता कुछ अलग लग रहा था, अभी कुछ अलग। पता है, कार चलाने के लिए जूता पहनना पड़ेगा, नहीं तो चलान कट जाएगा, और वैसे हम लोग स्लीपर में घूमने फिरने वाले हैं। दिक्कत हो क्या रहा है कि सचिन भाई के पैंट से कोई जूता जम नहीं रहा है। हाँ, मेरा पैंट दूसरा डिजाइन का है और इसमें चप्पल ही जमेगा, लेकिन कोई बात नहीं, गाड़ी चलाना है तो और क्या। बिल्कुल जी, दूध का कैसा किस्मत है, दिल्ली से यहाँ आया, यहाँ और जा रहा है। तो दिल्ली में भी यहाँ यूज नहीं हुआ, ना ही यहाँ बराला में यूज हुआ, अब यहाँ यूज होगा सीधा ऋषिकेश में। निकलने वाले हैं जी, और निकलने से पहले सचिन भाई जो है बर्तन अपना धो रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान को एकदम बोले एक बर्तन रह गया, मनीषा को कितना परेशान करे बार बार। हमको सबसे जो खराब नहीं लगता है, सबसे खराब नहीं लगता है, कुछ सीखो इनसे, कुछ सीखिए इनसे। किस चीज से पता है? फोन चार्जर, वो आपका भी ले लेंगे, ध्यान से ले लेंगे अपना गैजेट। जेंट्स का वही होता है, वही होता है, नहीं पता है। और पता है इनको किसी चीज से मतलब? भाई का घर है ये, और इनके घर के पास से जो नजारा है जी, बहुत ही अच्छा नजारा है, एकदम खुला खुला इलाका है, सच में मन करता है कि इधर ही एक बार ले लिया जाए अपना मकान, है ना। हम लोग रहते हैं दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके में, हर जगह से गाड़ी पैं पैं, बस वो सुनते रहिए, इसी तरह का शांत इलाका अच्छा लगता है। भले हमारा जो कटिहार में घर है वो भी बहुत ही अच्छे लोकेशन पर है, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में जानते हैं भीड़ भाड़ तो रहेगा ही, और बाकी अगर आपको चाहिए थोड़ा शांति वाला इलाका है तो उसका रेट भी उसी तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा जो मेरा रूम रेंट है दिल्ली में 2 BHK का, ठीक उतने ही रेंट में यहाँ पर इनको 3 BHK मिल गया है, और काफ़ी अच्छा खासा बड़ा रूम, हम लोग का तो रूम थोड़ा छोटा भी है, इनका अच्छा खासा बड़ा भी है। थोड़ा सारा सामान हो गया है पैक, और हम लोग एकदम तैयार हैं ट्रिप पर निकलने के लिए। बिल्कुल जी, और जिया को तो है अपना सारा साड़ी का ब्लाउज सिलवाना है, तो यहीं पर जिया को मालूम चला कि टेलर है, तो सब कुछ उठा करके ले आई, क्योंकि दिल्ली में बहुत पैसा लेता है। अच्छा, इधर तो मनीषा बोली कि यहाँ पे अच्छा सिल भी देता है, उतना पैसा भी नहीं लेगा, तो हम लेते आए सारा, यहाँ सिलवा लेंगे। वाह बढ़िया है, तो इसे कहते हैं जी गृहिणी, घर का जो खर्चा है बिल्कुल एकदम मेंटेन करके चलती है। लोग बैठ गए हैं जी गाड़ी में, और अब हम लोग निकल रहे हैं अपने ट्रिप पर। जा रही है जी अपना सारा कपड़ा देने, इसको अपना सिलवाना है कुछ कपड़ा, जो गिरेगा तो सामने में ही बुटीक है, उसको
बोल देना मनीषा कि दो ही दिन में चाहिए परसों। A few moments later, मैंने अपना कपड़ा वहाँ पर दे दिया और अब हम लोग जो है आगे निकल रहे हैं, ट्रिप कंटिन्यू कर रहे हैं। रास्ते में रुक करके थोड़ा सा जूस पी रहे हैं। जिया को और मनीषा जी को काफी प्यास लग गई थी और यह प्यास जो है सिर्फ जूस और शेक से ही बुझता है, तो मनीषा जी और सचिन भाई दोनों शेक पी रहे हैं और इधर जो मियाँ बीवी हैं हम लोग जूस पी रहे हैं मौसमी का। हम लोग बीच रास्ते में रुके हुए हैं और अब इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे की जर्नी आप लोग को देखने को मिलेगी और जो लोग भी ऋषिकेश नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश उनको हम घुमाएंगे जी। आप लोग घर बैठे रहिए, हम ही आपको घुमाते हैं यहाँ से। तो जी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला आगे का, तो आप लोग चैनल से बने रहिएगा। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले। और हाँ जी वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दे, एक शेयर से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।